we are going to study consumer behavior and the topic is normal and the inferior goods in general life we see that the demand of the commodities expressed by the consumer it varies we mostly see that if there will be the change in the price consumer demand will vary at the same time if द प्राइस ऑफ गुड एज़ गोइंग टू चेंज इट मे हैव अफेक्ट ऑन द डिमेंड ऑफ द कमोडटी बी अगर इसको हम सादा लफाज में कहें तो कई दफ़ा तो हम ये देखते हैं कि कमोडटी जिसको कंज्यूमर ख़रीदने जा रहा है उसकी अपनी कीमत की वजह से कंज्यूमर उसकी डिमेंड को कम या ज़्यादा करता है लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसकी अपनी कीमत की बजाय किसी और कमोडिटी की कीमत के कम या ज्यादा होने की वजह से भी उसकी डिमांड चेंज होती है लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा कई दफ़ा हम अगर देखें कि प्राइसेस को अगर हम ना भी डिफ्रेंशिएट करें इनकम के चेंज होने से कंज्यूमर की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है नॉर्मली हम कहें तो इट विल बी लाइक दिस दैट इफ इनकम विल इंक्रीज डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर सो ही विल हैव मोर टू purchase definitely his income increases so his demand will increase and vice versa with if his income will decrease he has to curtail his purchasing power. Now what will be the effect of this change in income on all the commodities in the similar manner or the different? When we just measure the change in the quantity demanded, with the change in the income, we see that that is one proportion, and that change or the rate of change we express in the form, and we say that it is the income elasticity of the demand, or in other manners, we can say it is the responsiveness of a commodity's quantity demanded to the responsiveness with the change in the income. कोई भी कमोडिटी जो है वो आमदन के बढ़ने या कम होने से उसकी डिमांड को क्या फ़र्क पड़ता है जब हम उस फ़र्क को या उस चेंज को मैयर करते हैं तो वही से दैट वट इज़ द इनकम इलास्टिसिटी और इसको फिर हम परसेंटेज की फॉर्म में भी मैर कर सकते हैं तो इस इनकम और डिमांड एनालिसिस से हम अगर देखें तो हमारे पास जो भी हमारे इर्द गिर्द अशिया मौजूद हैं हम उनकी चार कैटेगरीज बना सकते हैं जिसमें से एक हमारे पास नेसेसरी गुड्स नंबर टू नॉर्मल गुड्स नंबर थ्री इंफीरियर गुड्स एंड फोर द लग्जरी गुड्स अब इन चारों की हम असेसमेंट करें तो नेसेसरी गुड्स हमारे पास वो गुड्स होंगी जिनको कंज्यूमर ने हर हाल में खरीद करना है और उसके ऊपर इनकम के कम या ज्यादा होने से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उसी तरह लग्जरी गुड्स एक वो गुड थे जो जब उसके पास वेरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम हो तो वो उसको परचेज कर सकता है अदरवाइज ये उसकी नीड में कम परपोर्शन रखे तो नेक्स्ट जो हमने डिटेल में हम देखेंगे वो हम दो कमोडिटीज़ नॉर्मल और इनफीरियर के बारे में डिस्कस करेंगे नॉर्मल गुड कौन सी गुड है अगर हम यहाँ पे अब देखें तो इसमें हमने डिफरेंट इन डिफरेंस को ड्रा किया है और इन डिफरेंस

Is point B on this budget line, and there is also one other budget line that is explained this, and the consumer is having a optimal choice bundle A. So consumer is having optimal choice of bundle A when he was having the budget line. Here we can see budget line 1 and he is having the point b when he is having the budget line two on the right side movement of the budget line shows that the consumer income has increased so with the increase in the income now consumer is going to have more of the commodity x1 and at the same time more of the commodity x2 this is the normal behavior in the market so एनी कमोडिटी दैट एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ द बिहेवियर और द प्रॉपर्टीज वी सेट दैट कमोडिटी इज़ द नॉर्मल गुड या हम अगर कहें तो इसको इस फॉर्म में कह सकते हैं कि कोई भी शेय जो इनकम के बढ़ने से जिसकी तलब बढ़ जाए और उसकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर के कम होने से जिसकी तलब को कंज्यूमर नॉर्मली कम कर दे तो उस चीज़ को हम नॉर्मल गुड कहेंगे और इस फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम ऑन द एक्स एक्सिस पे बढ़ती है अगर हम इसको प्लॉट करें तो उसी तरीके से कमोडिटी के लिए कंज्यूमर जो है उसकी अपनी जो है तलब को बढ़ा देता है एंड वाइस वर्सा अगर हम कहें कि वो उसकी इनकम रिड्यूस होती जाएगी तो वाइस वर्सा वो उसकी कमोडिटी को अगर हम कहें तो वो रिड्यूस करता चला जाएगा तो दिस फॉर्म में अगर हम देखें तो वी कैन दैट देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द कमोडिटी डिमेंडेड विद द चेंज इन द इनकम और द इनकम इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन जीरो बट इट विल बी लेस देन वन फॉर द नॉर्मल गुड बट इट कैन बी इक्वल टू वन ओनली फॉर द अदर प्रोडक्ट now coming to the other topic of the inferior goods we see that there is only one difference and it is having a contrast than the normal good that with the increase in the income on the vertical axis consumer is not going to increase the demand rather it is going to decrease the demand like this so, here the consumer is having the negative or the inverse relationship and we can say that the change in the commodity demanded with the change in the income is negative so its value will be less than 0 so any commodity that will exhibit this type of the behavior that will be called the inferior good and when we explain this from the graph as we have explained in our previous here there are again various type of the indifference curve and now the consumer income has increased from this original budget line say budget line 1 to right side budget line 2 so with the increase in the income now we should expect that consumer it will increase its demand but consumer has not increased its demand rather consumer has shifted from point a to b and in this way the consumer has reduced its consumption of the commodity x2 that is available on the y axis in this manner consumer is treating the commodity at the y axis as inferior if we see that दिस वॉज आवर एक्सपेक्टेड लाइन इफ एक्स टू वुड नॉट बी आर इन्फीरियर सो द कंज्यूमर मे हैव बोथ ऑफ एक्स वन एंड बोथ ऑफ एक्स टू इन मोर क्वान्टिटी विद द इंक्रीज इन द इनकम बट रादर दैन दिस इसकी बजाय कंज्यूमर ने अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे शिफ्टिंग के जरिए से अपनी कमोडिटी ऑफ एक्स टू को अगर हम देखें तो वो बैकवर्ड गया है हालांकि उसकी इनकम इंक्रीज हुई है सो दिस शिफ्ट शोज इफ आई ज्वाइन दिस टू पॉइंट दैट दिस टाइप ऑफ द कर इट मीन्स द बैकवर्ड बैंडिंग पॉइंट विल बी शोन बाय द कंज्यूमर फॉर द इंफीरियर गुड